हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों आप एक बार अपने डाउट्स जो हैं वो चैट पे लिख दो, मैं देख लूंगा फिर कि मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लूंगा किस सीक्वेंस में किसको बताना है। एक मिनट, मैं सबसे पहले ना कोई जो नोट्स में डाउट्स हैं मैं वो क्लियर कर रहा हूँ। इसके अंदर हाँ जी बताओ क्या डाउट है। सिर्फ हाँ जी जैसे अभी हमने इसमें कहा था कि MGR का टॉर्क जो है वो नीचे पे लग रहा है, तो हमें कोई ऑपोजिंग टॉर्क चाहिए जो कैंसिल कर दे। तो हमने कहा कि जो M वेक्टर नीचे को आएगा जिस कारण वो B वेक्टर को अलाइन करना चाहेगा, इसलिए जो डिस्क है ऊपर घूमना चाहेगी, तो इसलिए हमने टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर मान ली और वो परफेक्टली कैंसिल कर देगी MGR को, राइट। लेकिन अगर मैं देखूं M क्रॉस B से टॉर्क की डायरेक्शन, वो कुछ और नहीं आती? नहीं, ये आप याद करो मैंने 11th में बताया था कि वैसे तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है जो एक्चुअल मैथमेटिकल डायरेक्शन होती है यस वो तो इनटू द प्लेन या आउट ऑफ प्लेन होती है, सर, जो आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकालोगे, जो आर क्रॉस एफ से हम निकालते हैं। ओके बट फिजिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम उसको सिंपली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देख लेते हैं, उससे आइडिया लग जाता है हमें। अगर क्वेश्चन आए तो हम मैथमेटिकली निकाल वाली हाँ रिपोर्ट करें या फिर जो फिजिकली आ रही है उसको मैं रिपोर्ट वही कह रहा हूँ कि अगर तो आपको क्वेश्चन में पूछा ये है कि टॉर्क की डायरेक्शन बताओ, करें। यस सर, तब तो आप वैसे ही बताओगे आर क्रॉस एफ करके या एम क्रॉस एम बी क्रॉस बी, करके, ठीक राइट। है। आपको बहुत बार ऐसे पूछने की जगह फिजिकली पूछा हो सकता है सिंपली कि भाई ये बताओ कि बॉडी किधर को घूमेगी। ओके, वैसे सर दोनों डिफर क्यों कर रहे हैं, मतलब दोनों में लिंक है कोई? वो चक्कर ये है ना कि रोटेशनल में जो सारा कुछ होता है, मतलब ये तो फिजिकली हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए समझ लिया। या तो मैं आपको ऐसे कहता कि भाई हाँ बॉडी जब क्लॉकवाइज जा रही है तो आप उसको ऐसे ही समझो कि क्लॉकवाइज का मतलब है आउट ऑफ प्लेन, है ना। तो उसमें अननेसेसरली कंफ्यूजन होती, तो इसलिए हमने एक थोड़ा सिंपल तरीका बना लिया कि भाई नॉर्मली देखने में सिर्फ ऐसे देख लो कि कहाँ क्लॉकवाइज है कहाँ एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे M क्रॉस यस B सर, एक साइड, मतलब सिंगल बॉडी इंट्रा प्लेन आ रहा है ना, उसी प्लेन में जिस लूप पे, जिस प्लेन में लूप पड़ा है।
नहीं एम क्रॉस भी तो आउट ऑफ प्लेन आ रहा है ना। एम क्रॉस, हाँ ये सर आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, मतलब जिस प्लेन में लूप पड़ा, राइट हाँ, तो आउट ऑफ प्लेन से तो आपको कुछ विजुलाइज नहीं हो रहा ना, आउट ऑफ प्लेन में राइट क्या हो सर, रहा है इससे, तो वो विजुलाइजेशन के लिए हमने एक सिंपल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस रखी होंगी। ओके okay. तो मैथमेटिकली टॉर्क की डायरेक्शन अलग रिपोर्ट करते हैं और विजुअलाइजेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हाँ फिजिकली हम अलग देखते हैं, तो यस क्वेश्चन की सेंस से पता चल जाएगा कौन सा कब रिपोर्ट करना है। बिल्कुल हाँ। तो अब थैंक यू यहाँ पे सर। ये कैसे पता चल रहा है कि एमजी इसको कैसे घुमाएगा, आप फिजिकली सोचो, लेट यस से सर, ऐसे नीचे को घुमाए रिंग लगी क्लॉकवाइज, हुई है और सोचो और कोई फोर्स नहीं है, तो यस ये जो सर, रिंग है वो किधर को जाएगी? अगर बी ना हो तो क्लॉकवाइज घूम जाती ना नीचे को, नीचे को गिर जाती ना रिंग। यस सर। और से एक बारी हिंज फोर्स भी कैसे समझा रहे थे, पर वो भी समझा, जैसे बी के कारण जो नेट अपना फोर्स होगा लूप पे वो जीरो, और तो एमजी को बैलेंस करने के लिए हमने कहा और कोई फोर्स नहीं, तो हिंज फोर्स है तो उसको एमजी के इक्वल लगा के ऊपर कर दिया। लेकिन सर अगर मैं फिजिकली सोचो, एक प्लेट पड़ी है, मतलब हिंज फोर्स तो वही होगा ना कि अगर हिंज हटा दूं और उसके जितना फोर्स मैं लगा दूं तो सेम बात बने, हिंज फोर्स उसी को कहेंगे, है ना। तो हाँ बिल्कुल, और वो एडजस्टेबल होती है ना सिचुएशन अगर के अकॉर्डिंग, मैं, यस सर, राइट राइट, उसकी मतलब कोई वो फिक्स वैल्यू उसका नहीं ऑल्टर हो है। जाएगा। तो अगर मैं प्लेट उठा के सर एक कोने से ऊपर खींचूं और सेंटर से नीचे खींचूं, वो घूमेगी नहीं। मतलब एग्जैक्ट एमजी आना चाहिए वहां पे, हाँ अगर एमजी नहीं आएगा तो फिर फोर्स बैलेंस ही नहीं होगी। ओके सर। लेकिन जैसे मैं फिजिकली कह रहा था, फिर घूमनी चाहिए सर प्लेट, कैसे? जैसे अगर एक प्लेट उठाई, ठीक है, एक प्लेट का एंड में ऊपर खींच रहा हूँ, वो प्लेट के सेंटर से मैं नीचे फोर्स लगा रहा हूँ, तो हाँ तो प्लेट के घूमेगी स्टेबल हॉरिजॉन्टल रहेगी नहीं, घूमेगी सर। इसमें ऐसा सिमिलर केस नहीं है, नहीं तो अलग से वो भी तो है, एम की टॉर्क भी तो है जो मैग्नेटिक फील्ड वाली टॉर्क है। हम सिर्फ फोर्सेस की बात नहीं कर रहे थे सर अभी। हम तो दोनों की बात कर रहे हैं, आपने आपने गलत बोला ना, आपने बोला कि फोर्सेस लगा रहा हूं मैं और बताओ कि किधर को घूम रही है। घूमने के लिए तो टॉर्क चाहिए, घूमने के लिए फोर्स नहीं चाहिए ना। राइट। और सर एक मतलब लॉरेंट्स फोर्स में एक जो हमने लिखा था ना, वैसे बायोट सावर्ट लॉ में जो वी क्रॉस आर में वी होता है वो रिलेटिव होता है ना सर। नहीं नहीं सर, फिर अच्छा सर बताओ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मैं साथ में भाग रहा हूँ, आपने कहा था अगर सेम वो मैंने वेलोसिटी में ये मैं कहा भाग था रहा कि हूँ, अगर आप उसके फ्रेम में फोर्स निकालोगे तब रिलेटिव होगा। हम तो हर केस में अर्थ फ्रेम में फोर्स निकाल रहे हैं ना, सर अगर वी किसी के जो बायोट सावर्ट लॉ, यस हमने तो किसी भी केस में रिलेटिव फ्रेम में फोर्स निकाली ही नहीं। तो सर जो सर तब वो क्या होगी, वी है मतलब मतलब वो, अर्थ फ्रेम में, अर्थ फ्रेम में फिर क्या होगी किस केस में उसी केस में कि बायोट सावर्ट लॉ में भी, हम एक चार्ज के साथ साथ भाग रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ। मतलब अगेन आप ये सोचो कि फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वर, आप ये सोचो कि आपको ऑब्जर्वर कहाँ पे है, उससे आपको क्लियर ऑब्जर्वर होएगा। अभी ऐसे सोच लेते हैं कि भी कोई थर्ड पर्सन है जो इन दोनों को ऐसे देख रहा है, जो एक चार्ज है वो नहीं जा नहीं रहा है नहीं वी से। क्यों नहीं, वो क्यों, एक वो तो और कंफ्यूजन क्रिएट करोगे आप। या तो आप ये बोलो कि ऑब्जर्वर आपका वो रनिंग पर्सन है, या आप ये बोलो कि ऑब्जर्वर वो है जो अर्थ पे खड़ा है, राइट? अच्छा दोनों को अलग अलग वेलोसिटी नजर आएगी इलेक्ट्रॉन की, जो यस रनिंग सर, पर्सन है उसको तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो नजर आएगी, ओके जो अर्थ पे खड़ा है उसको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वही वी नजर आएगी। ओके सर, बस फिर उसके हिसाब फॉर्मूला से में वो कौन सी फॉर्मूला में यूज लगा करनी है, देंगे जो नजर कौन सी आएगी, वाली, जो ऑब्जर्वर कहाँ को पे नजर बैठ के, आएगी, कहाँ जिसके पे हिसाब बैठ से आप के, फोर्स निकाल रहे हो। ओके जैसे वो क्वेश्चन में हमने क्यू पे चार्ज पे फोर्स निकाला, तो चार्ज पे बैठ के हमने निकाला और मुझे वहां पे बैठ के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो उसकी ओरिजिनल है वही दिख रही है। मतलब एक सिंपल बात याद रखो ना कि जो फोर्स है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, तो आप जिस ऑब्जर्वर के हिसाब से फोर्स निकालना चाहते हो उसी ऑब्जर्वर सर के हिसाब से आप वेलोसिटी देखोगे। सर फिर उसी क्वेश्चन में जब चार्ज मूव कर रहा है तो मैं चार्ज के रिस्पेक्ट से देखूंगा ना कि वो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से जा रहा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है,
चार्ज के रिस्पेक्ट में, नहीं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो मतलब हमने उस केस में, उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो इलेक्ट्रॉन ही, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन है वहीं पे ऑब्जर्वर खड़ा ही है माना है। सर अभी कोई क्वेश्चन खोलना, सर ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। नहीं मैं, आप समझो ना एक सिंपल बात जो मैंने बोला कि yes, अगर आप किसी भी केस में फोर्स निकाल रहे हो राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर कौन है। अगर आप कह रहे हो कि आप एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे हो या आप उस मूविंग चार्ज के कारण फील्ड निकाल रहे हो, ठीक है, तो yes, आपको माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई किस ऑब्जर्वर के हिसाब से हम वो निकाल रहे हैं। Okay. और, जिस पॉइंट पे निकालनी है वही ऑब्जर्वर हुआ? नहीं, पॉइंट एंड ऑब्जर्वर तो दो अलग बातें हुई ना, उनको कैसे आप मिक्स कर सकते हो? ओके, ऑब्जर्वर तो कहीं भी हो सकता है। ओके, पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे ऑब्जर्वेशन करनी है करके? जब हमें कुछ नहीं मेंशन होता तो हम हमेशा अर्थ फ्रेम में ही मानते हैं। जब दो फिर इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के साथ भाग रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर, अगर मैं खड़ा हूँ और दो इलेक्ट्रॉन भाग, मतलब दो चार्ज भाग रहे हैं तब तो है, मतलब क्या जी? मतलब वही होगी जैसे मैं वो वाले केस के साथ रिलेट कर रहा था मैं, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग रहा था तो मैं भी साथ भागने लग गया, तो मतलब मैं ऑब्जर्वर हूँ ना तो मैं भी भागने लग गया तो जीरो हुआ। यस, तो आपको जीरो नजर आएगी, ये मत कहो कि तो जीरो हुआ, तो आपको जीरो। अगर कोई अर्थ फ्रेम्स देख रहा होगा तो अगर कोई अर्थ पे खड़ा हुआ है पर्सन, उसको तो वही नजर आएगी जो पहले थी। तो उस क्वेश्चन में हमने अर्थ पे खड़ा होके किया काम। हाँ यस, ओके, अर्थ पे खड़े होके कहा है कि उस पॉइंट पे जो मूव कर रहा था V2 से उस पे कितनी ऑब्जर्व हो रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसीलिए मुझे तो इलेक्ट्रॉन की V1 ही दिख रही है ना। हां, इसीलिए मैंने ये बोला ना कि हमने तो हर जगह ही अर्थ फ्रेम में किया है, हमने कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में रिलेटिव फ्रेम यूज ही नहीं किया। और सर जैसे कुछ इंस्टेंट पे हो रहा है क्योंकि तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर पाएंगे इंस्टेंट पे, आर चेंज होगा नहीं तो इंस्टेंट पे हो रहा है ना। ओके सर, और सर एक बारी वो बता दो, एक बारी मेरे जो एम जो वोल्ट मीटर बनाए थे गैल्वेनोमीटर में, तो आईजी में कहां एप्रोक्सीमेशन आई थी वो शो कर दो सर, वो इतना ज्यादा मुझे क्लियर। सर एक सेकंड, ये क्लियर हो गया पीयूष? यस सर जी। नहीं मुझे बताओ, अगर और कोई फोर्स नहीं लग रही तो ये प्लेट किधर को घूमेगी? कैसे जो मतलब अगर बी नहीं है, अगर हाँ अगर बी नहीं है नीचे को घूम जाएगी, नीचे गिर जाएगी। यूज बताओ ये प्लेट किधर को जाएगी? नीचे को जा रही है ना, तो वो कौन सी डायरेक्शन हुई? राइट हाँ जी, हाँ बोलो भाई, इसमें क्या जैसे ऊपर ये वाली डायग्राम में कुछ थोड़ा सा ऊपर कर दूँ जी प्लस एस वाली। यस सर, हमें सर जैसे एक बार हमने जब रेजिस्टेंस सेट कर दी जो गैल्वेनोमीटर का एक्स्ट्रा कॉज हो रही थी शंट लगा के, उसके बाद हमें सर यही प्रॉब्लम आ रही थी ना कि अपना जो रेजिस्टेंस सेट होगी उसका क्या प्रॉब्लम आई थी सर के मतलब करंट डिवाइड हो गया गैल्वेनोमीटर में कुछ और करंट जा रहा है। हमें तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग मिलेगी, तो हम अगर हमें V निकालना है तो अपना अपने पास वो I नहीं है, वो IG है। Yes. है ना? और लेकिन हमारा मेन एम तो सर करंट निकालना ही है ना, वो तो एमोमीटर में निकाल चुके। हमारा मेन एम की जो R है उसका वोल्टेज निकालना। यस, हमें R पता तो जो ओके सर नहीं पता, जो R पे वोल्टेज है वही जी और एस कॉम्बिनेशन में वोल्टेज होगी? नहीं, ओरिजिनली तो जी आर एस थे ही नहीं ना, आप तो मॉडिफाइड सर्किट में कह रहे हो कि मॉडिफाइड सर्किट में जो आर के अक्रॉस है वो जी आर एस के अक्रॉस है।
हमें वो नहीं निकालनी ना कि मॉडिफाइड सर्किट में आर के अक्रॉस क्या है, हमें तो ये निकालनी है कि जब गैल्वेनोमीटर लगाया ही नहीं था तो आर के अक्रॉस क्या वोल्टेज थी। लेकिन मॉडिफाई करने से हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आई थी ना, रेजिस्टेंस वाली, वो तुम सॉल्व नहीं कर चुके। वो 100% सॉल्व नहीं हुई ना, आप इनफाइनाइट कर दो फिर सॉल्व हो जाएगी। ओके मतलब मैं तब मैं ये कह रहा था कि अजम्पशन, मतलब मेरा मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा आंसर बिल्कुल अप्रॉक्स है, मतलब मैं इस चीज को स्टेप टू करना चाहता हूं कि जो हम एंड में आर को इग्नोर कर रहे हैं अगर वो रहना बच जाएगा ना, क्योंकि वो अप्रॉक्सिमेशन में कहीं और चली गई। ओके हां ओके, मतलब सेम ही बात है ना सर। हां वो सेम ही बात है, मतलब आप उस तरह बोल दो या इस तरह बोल दो अप्रॉक्सिमेशन तो लेनी ही पड़ेगी। राइट जी, थैंक यू सर। एक सोलेनोइड वाला क्वेश्चन था आपके मॉड्यूल में, जिसमें यह था कि भाई ऐसे कॉइल है, अब आपने सोलेनोइड को आधा कर दिया और ये जो टर्न्स बच गए, अब उन टर्न्स को आपने दोबारा सोलेनोइड के ऊपर ही चढ़ा दिया, तो जो सोलेनोइड की इतनी लेंथ है L बाय टू, इसके ऊपर अब कितने टर्न्स हो गए? एन टर्न्स हो गए, क्योंकि पहले तो एन बाय टू ही थे, लेकिन अब ब्लू वाले भी एन बाय, मतलब पहले सिर्फ ब्लैक वाले एन बाय टू थे, अब इसके ऊपर ब्लू वाले एन बाय टू भी आ गए, तो टोटल एन हो गए। तो जो जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हुआ वो क्या हुआ? एन ओवर एल बाय टू, मतलब पहले से डबल हो गए, है ना। गैल्वेनोमीटर में रेडियल फील्ड का ये फायदा है कि मैग्नेटिक मोमेंट और ताकि एंगल हमेशा 90 रहे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में। सर उससे आगे मतलब क्या बेनिफिट मिल रहा है हमें? मतलब आपको थीटा में फंसना नहीं पड़ा ना, नहीं तो आप अगर थीटा वेरी कर रहा होता तो आपके जो हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसमें एक एडिशनल थीटा की टर्म आ जाती वेरिएबल। यस सर, उसमें मतलब मैंने मॉड्यूल में भी देखा था, उसमें लिखा था कि भी वैसे तो क्योंकि हमने रेडियल बनाई है तो वो थीटा से डायरेक्टली रिलेटेड है, वरना थीटा बाय कॉस थीटा से आ रहता है, तो वो मतलब ऐसा कुछ लिखा था कि लीनियरली वेरिएबल मतलब वेरी नहीं कर रहा। तो हाँ लीनियरली वेरी का क्या मतलब है कि भाई आपको हमने जब प्रूफ कर दिया आई प्रोपोर्शनल टू थीटा है या थीटा प्रोपोर्शनल टू आई है, अब जिसने स्केल बनाना है उसको क्या करना है? उसको तो सिर्फ ये देखना है ना कि उसने एक बार ये चेक कर लिया कि यार 12 एम्पीयर करंट पे मान लो नीडल इतना घूमती है, तो अब तो उसको पता ही है कि हर 1 एम्पीयर पे उतना ही घूमेगी नीडल, तो वो उसके उतने ही सेम एंगल पे आगे 2 लगा देगा, फिर उतने ही एंगल पे 3 लगा देगा, उतने ही एंगल पे 4 लगा देगा, एंड सो ऑन। मतलब कन्वीनियंस टू मार्क रीडिंग्स सिर्फ इसलिए। यस ठीक है सर। ओके ये बच्चों जो इस संडे को टेस्ट हुआ था मेंस वाला, उसमें कोई डाउट है?
एक मिनट मैं टेस्ट ओपन कर रहा हूँ। बच्चों कौन सा क्वेश्चन नंबर था इसमें? तो ये करंट यहां से ऊपर जा रहा है, इधर से ओरिजिन की तरफ गया और फिर ये ऐसे राइट को चला गया, राइट? तो मतलब पहले करंट जो है वो एक सेमी इनफाइनाइट वायर है प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग करंट है, फिर ऐसे गया एक्स जेड प्लेन में और फिर ये करंट जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो आपको कहाँ निकालना है करंट? फील्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन पे इसके और इसके कारण तो आई नहीं कोई फील्ड, जो फील्ड आनी है वो सिर्फ इस वायर के कारण आनी है, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, राइट? तो इसका मैग्नीट्यूड तो बनेगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया a√2, राइट? और फिर इसकी डायरेक्शन डीएल किधर को हो गया वाई के अलोंग जे कैप, एंड आर वेक्टर किधर को होगा इस तरफ को, तो आर वेक्टर लिख दो उससे डायरेक्शन निकल आएगी। हाँ जी बच्चों, फोर्थ का क्या आंसर आएगा बताओ? थिक हॉलो सिलेंडर, इनर रेडियस आर बाय टू, आउटर रेडियस आर, तो सी और डी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? जो सी ऑप्शन है वो कह रही है कि फील्ड एकदम आर बाय टू से वेरी होती है, और डी ऑप्शन कह रही है कि फील्ड जीरो से स्टार्ट होती है। तो जब आप हॉलो सिलेंडर के अंदर होगे वहां पे तो फील्ड जीरो ही होगी ना, तो वो जीरो से ही स्टार्ट होगी। जितना जितना आप सिलेंडर का पोर्शन कवर करते जाओगे, इंक्लूड करते जाओगे, उतना उतना फील्ड बनती जाएगी, इसलिए डी आंसर बन जाएगा।
टेंथ क्वेश्चन, दोनों वायर्स में जो फील्ड है वो जो करंट है वो आउट ऑफ प्लेन है. ठीक है, देखो जो ग्राफ वाले क्वेश्चन हमेशा एलिमिनेशन से होते हैं. अब आप मान लो ये लेफ्ट वाली वायर ले लो सिर्फ. अब इसके लेफ्ट और इसके राइट पे जो फील्ड होएगी उसकी डायरेक्शन तो अपोजिट होएगी. कोई भी करंट कैरिंग वायर के दोनों साइड्स पे जो फील्ड होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए ए ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई. सी ऑप्शन तो दोनों तरफ ही बना दिया उन्होंने ग्राफ, बिल्कुल ही गलत हो गई. और डी में भी सेम डायरेक्शन है, आंसर ही एक ऑप्शन ही एक बच रही है, बी बस. एंगल पॉजिटिव नेगेटिव मतलब देखो इस केस में तो जान के सिचुएशन ऐसी दी हुई है कि बन रही है. तो परपेंडिकुलर के एक ही साइड पे तो एंगल है. अब हमारे फॉर्मूला में कौन सा एंगल आता होता है, ये वाला जो परपेंडिकुलर के साथ बन रहा होता है. तो एक केस में ये एंगल 30 हुआ और दूसरे केस में ये पूरा लेना वो 60 हुआ. थर्टींथ में तो आप हर वायर के कारण लिखते जाओ, वो सीरीज बनती जाएगी एक. वो बेसिकली आपको ये पता चलना चाहिए कि वो ln की बनेगी एक्सपेंशन, 1 - 1/2 + 1/3 ऐसा कुछ बनेगा. डायरेक्शन तो वायर्स स्ट्रेट वायर्स ही हैं, एक के कारण इनटू द प्लेन आएगी, एक के कारण आउट ऑफ प्लेन आएगी, तो वो प्लस माइनस होती जाएंगी. तो ये एक्स वाई प्लेन में वायर्स हैं, आपको दोनों करंट प्लस वाई डायरेक्शन में कैरी कर रही हैं, ठीक है. ऐसे आपको उनके कारण एक्स एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में कमेंट करना है. राइट, तो और करंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं. अच्छा, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है रादर. कैरी करंट्स 4i and i अलोंग प्लस वाई एंड माइनस वाई. तो जो ये वाली वायर है
ये प्लस वाई में 4i कैरी कर रही है, दूसरी वाली माइनस वाई में i कर रही है। एक मिनट आ बच्चों, हाँ जी तो सबसे पहले तो आप ये आइडिया लगाओ कि दोनों के कारण जो फील्ड है वो ये बीच वाला जो प्रिजन है उसमें ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जो राइट साइड वाली वायर है उसके कारण आप देख सकते हो उसके लेफ्ट पे हर जगह जो फील्ड है वो आउट ऑफ प्लेन है, और जो लेफ्ट वाली वायर है उसके कारण भी आउट ऑफ प्लेन ही आ रही है। तो दोनों के कारण जो फील्ड है वो तो ऐड हो रही है, राइट? तो एक तो इससे ये पता चल गया कि ए तो आंसर हो ही नहीं सकता, ए में तो जीरो हो रही है, तो फील्ड तो जब दोनों की कैंसिल आउट हो रही है, हो ही नहीं रही, मतलब दोनों की ऐड हो रही है, तो जीरो तो कहीं पे आएगी ही नहीं बीच वाले रीजन में। तो बची ये तीन ऑप्शंस बी सी डी। अब हमें ये भी दिख रहा है कि जो फील्ड है वो आउट ऑफ प्लेन है, तो मतलब जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इससे बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। अब बची सी और डी, राइट? सी और डी में आप सिंपली इतना देखो कि जो फील्ड कम होएगी वो कहाँ पे होएगी, मतलब वो 4i के पास वाले किसी पॉइंट पे कम होएगी या i वाले किसी पॉइंट पे कम होएगी। i वाले पे होगी है ना, 4i के पास आएंगे तो बढ़ जाएगी, तो बस उससे सी आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक हमने क्लास में किया था, आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आप यहां तक निकाल लो सेमी इंफाइनाइट वायर माइनस ये छोटी सी वायर, ऐसे ही जो ये वाली वायर है इसका भी पहले सेमी इंफाइनाइट वायर माइनस ये जो छोटी सी वायर है। या फिर हमने एक दूसरा रिजल्ट भी किया था, मैंने आपको बताया था एक जगह कि अगर इस टाइप का केस हो और आप यहाँ पे फील्ड निकाल रहे हो तो हमने क्या सीखा था। कि सर वो बड़ा वाला एंगल माइनस छोटे वाला वही कह रहे हो? हाँ कि नॉर्मली तो हम साइन थीटा वन नहीं, डिस्टेंस के कंपोनेंट नहीं ले सकते, आपको उसी के लेने पड़ेंगे। एक सर जो आपने मेथड वन बताया उसके अंदर हम सेमी इनफाइनाइट को वहां तक एक्सटेंड करेंगे जहां पे वो पीक से मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सके। ठीक परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है सर। डन। यस सर।
तो हम देख रहे हैं कि पार्टिकल नेगेटिव वाई में नीचे को जा रहा है, राइट, मतलब यार नीचे को जा रहा है सीधा, और हमें कहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है, तो उसके हिसाब से आपको कमेंट करना है। और ये भी लिख दिया कि इट इज नॉन सर्कुलर, तो इसका मतलब सिंपल वो केस नहीं हो सकता जहां पे हम कह दें कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई। हाँ, ए और सी का मतलब तो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ये तो जबरदस्ती बनाई हुई ऑप्शन ही है। ए और सी का मतलब तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाईजेड प्लेन में। तो होगा बी और डी फिर। तो इन दोनों को अगर हम चेक करें, मान लो डी ऑप्शन को चेक करें, डी में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जे और के डायरेक्शन में है, डी ऑप्शन में। अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ जे और के प्लेन में होगी तो इस इंस्टेंट पर जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स आएगी वो तो एक्स वाई प्लेन के बियॉन्ड आ जाएगी, राइट। ये तो बस सीधा है ना, ये वायर बन गई, इस पे आईबीएल लगा दो। तो ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये प्लस माइनस टू बन रहे हैं, वायर की लेंथ फोर हो गई, तो आईबीएल से 32 बन गया। एबी डिस्टेंस तो फोर बन रहा ना। इसके अलावा बताओ बच्चों और क्या था। शोभित आपका कौन सा था? कौन से वाला टेस्ट कह रहे थे आप? एडवांस कौन सा? बाकी सबने दे दिया ये टेस्ट? कोई ऐसा तो नहीं है जिसने अभी दिया नहीं है? ये टेस्ट टू। जिसने नहीं दिया बच्चों वो प्लीज लीव कर दो अपने आप ईमानदारी से। हाँ शोभित बताओ सर। सर इसके थर्ड में फिर वही जो कि वी दिया हुआ है क्वेश्चन में और ग्राफ में यू दिया हुआ है। हाँ वो तो मतलब वो वही वाली चीज है, मतलब हम सी ऑप्शन नहीं मार्क, वो नहीं मार्क कर सकते, स्टेबल वाली, अनस्टेबल वाली मतलब। फिर इसमें ऑप्शंस नहीं मिल रही हुई।
मतलब वन टू वाली नहीं बन रही कोई, है ना? यस सर। वो तो हाँ चलो वो हो गई। और सर जो सेवेंथ वाला है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ई वेक्टर दिया हुआ है लेकिन उसकी एक्सप्रेशन में डायरेक्शन नहीं दी हुई, ये x plus y plus z दिया हुआ है, i cap j cap नहीं दिया हुआ है। मतलब ऑब्वियसली वो x i cap plus था ना, y j cap होगा। अच्छा हाँ तो z j cap। और फिर जो 11th क्वेश्चन है उसका एक बार हिंट दे दो, 11th मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन है। अच्छा इसमें ये है कि ये नीचे वाली दो न्यूट्रल है, दीज आर स्ट्रिंग्स चार्ज क्यू ईच, और हमने इसको कट कर दिया तो इसमें इधर और इधर जाने की कुछ टेंडेंसी होगी। ठीक है, इसके हिसाब से क्या ऑप्शन है? वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग्स ऑन बॉल सी टिल स्पीड ऑफ ए इज मैक्सिमम। अगला पार्ट क्या है इसका? उसकी डिस्प्लेसमेंट जब स्पीड मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसमें मेन बात तो समझने वाली ये है कि किस पोजीशन पे ऐसा होगा कि ए की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन मार्जिन में जा रहा है। ऐसा क्यों, ये क्यों जरूरी है? फिर
हाँ भाई शोभित बताओ कुछ। सर आप बताइए। आप स्नीक तो कह रहे थे आप, तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी ना। स्पीड मैक्सिमम कब होएगी? जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होएगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होएगी? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होएगी सिस्टम की। तो सी और डी की भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब कुछ बढ़ जाएगी। हाँ पड़ेगी। तो हमें कैसे कर सकते हैं कि ए बी की भी बढ़ेगी? क्या चीज? हम अगर सी डी की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ए बी की कैसे कर सकते हैं कि ए बी की भी बढ़ेगी? आप ये कहना चाह रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो सीडी की हो, एबी की ना हो उस टाइम पे। यस सर। इसको एक और तरीके से भी आप सोच सकते हो, वो इस तरह की ए की स्पीड अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे स्पीड की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए। स्पीड मैक्सिमम मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो यस सर। यस सर। है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो कब होगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में। तो ये पता चल रहा है हमें कि ए और बी की जो स्पीड है वो मैक्सिमम तब होगी जब ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गए, राइट? यस सर। अब उसके फर्दर क्या करोगे आप? मतलब वो ही वर्क डन बाय टेंशन निकालना है, ये तो पक्का ही है कि वो सीधा तो आप निकाल ही नहीं सकते, यस निकलना तो वर्क सर। एनर्जी से ही है। तो हम सिचुएशन देख के ऐसा कह सकते हैं कि जब ये हुए होंगे उस टाइम पे ये इधर को जा रहे होंगे है ना, ए और बी, और साइड पे जा रहे होंगे, ये और भी साइड पे जा रहे होंगे, साइड पे कैसे जाएंगे? मतलब सी और डी रिलेटिवली ऊपर जा रहे हैं, ये और भी तो उनकी वेलोसिटी लेफ्ट को नहीं थी, लेफ्ट और राइट को। नहीं, मैं उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अच्छा ओके सर। तो हम एक तो सिमेट्री से ये कह सकते हैं कि इनकी वेलोसिटी सेम होगी वी और बी, यस सर। और ये बी डैश सेम होएगा दोनों का है ना। जी अगर वो अलग भी है तो उसको सी और डी की आपस में तो सेम ही होंगी। यस सर। अब अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करो
तो उससे v और v डैश इक्वल आ गए। अभी बस सर मुझे तो हो जाएगा ना। इसमें ई वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या दे रखा है ये समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं करूंगा है ना। मतलब मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा होगा फोर आई का प्लस थ्री अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टू कुछ होगा जे का मतलब, बट ऑब्वियसली मिस प्रिंट है। ठीक है जी सर। यस सर ये वाला क्वेश्चन मतलब छह बच्चों का ठीक कैसे हो गया अगर मिस प्रिंट भी है तो? तुक्का मारा होगा उन्होंने। 25 में 25 बच्चों ने दिया था तो 6 प्रोबेबिलिटी तो कम है। पूछ लेंगे क्लास में। ठीक है। कई बार ऐसा होता है मतलब कई बार ये होता है कि जैसे ये जब इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखते हैं ना कोड फॉर्म में ताकि वो प्रॉपरली दिख जाएं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी ब्राउजर में दिख जाता है किसी में नहीं दिखता, बट इस केस में तो ऐसा नहीं है। इस केस में तो मैं देख के बता पा रहा हूँ कि मतलब कि मतलब गलत ही डरा हुआ है। yes, तो भाई कुछ मुझे याद कराना क्लास में पूछेंगे। हाँ जी सर। हाँ जी ठीक है। हाँ जी चलो और कुछ तो नहीं सर। ठीक है भाई ओके। हाँ।